ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया है और अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में वीरेंद्र राम के आवास पर दूसरे दिन भी तलाशी जारी रखी। रांची सहित देश भर के लगभग 2 दर्जन ठिकाने पर रेड जारी रही। रांची के अशोक नगर स्थित आवास, रांची के कचहरी रोड स्थित इंजीनियर भवन स्थित वीरेंद्र राम के कार्यालय, रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित FP बिल्डिंग के मुख्य अभियंता कार्यालय और वीरेंद्र राम के करीबी ठेकेदार के आवास पर एड ने रेड की। ईडी ने 2019 में जमशेदपुर के दर्ज सीबी के मामले के आधार पर जांच शुरू की है। 2019 में ACB की रेड में लगभग 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को पैसा उगने वाला ATM के तौर पर लोग जानते हैं। कई सफेदपोश और रसूखदारों से वीरेंद्र के अच्छे संबंध हैं। ये उनके खासम खास बताए जाते हैं। ईडी की रेड में 10 करोड़ के गहने, कई आलिशान मकान और मनहगी गाड़ियों की जानकारी हाथ लगी है। ईडी ने एक डायरी भी बरामद की है, जिसके डिटेल खंगाले जा रहे हैं। रांची आवास पर कागजात खंगालने के लिए 2 प्रिंटर और स्कैनर लाया गया। साथ ही ईडी को करोड़ों के निवेश के कागजात हाथ लगे हैं। अब तक ईडी की तरफ से बरामदगी और कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान या कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।